हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम अर्डुइनो के साथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करेंगे और अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से किस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्किंग नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए आर्डुइनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर और मेल टू फीमेल जंपर केबल। फ्रेंड्स, अब हम कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आर्डुइनो ले लूँगा और इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लूँगा और अल्ट्रासोनिक सेंसर की VCC पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दूँगा और इसी तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर की इको पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 3 से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूँगा। हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग के लिए मैं आर्डुइनो IDE ओपन करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल लूँगा जिनका नाम रहेगा टाइम और डिस्टेंस। इसके बाद मैं जाऊँगा वॉइड सेटअप के अंदर और वाइड सेटअप के अंदर मैं पिन को डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पर हमने पिन नंबर 2 को आउटपुट डिक्लेयर किए हैं और पिन नंबर 2 का आउटपुट हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन को देंगे और इसके बाद हमने पिन नंबर 3 को इनपुट डिक्लेयर किए हैं और इस पिन में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के इको पिन का आउटपुट लेंगे। अब इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से कैलकुलेट होने वाले डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लिखूंगा serial.begin9600। अब इसके बाद मैं जाऊंगा void लूप के अंदर और void लूप के अंदर मैं लिखूंगा डिजिटल राइट टू हाई डिले माइक्रोसेकेंड 10, डिजिटल राइट टू लो डिले माइक्रोसेकेंड 5। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिजिटल राइट टू हाई इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके पिन नंबर 2 से हाई आउटपुट लिए है और इस हाई आउटपुट को हम 10 माइक्रोसेकेंड तक लेंगे और 10 माइक्रोसेकेंड तक हाई आउटपुट लेने के बाद में पिन नंबर 2 से 5 माइक्रोसेकेंड तक हमने लो आउटपुट लिए है और फिर डबल से हमने पिन नंबर 2 से हाई आउटपुट लिए है 10 माइक्रोसेकेंड तक। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इससे ये होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन 10 माइक्रोसेकेंड तक हाई रहेगी जिससे कि इसका ट्रांसमीटर 8 सोनिक पल्स जनरेट करेगा और हर 5 माइक्रोसेकेंड के इंटरवल में ट्रांसमीटर 8 सोनिक पल्स जनरेट करेगा और जैसे ही ट्रांसमीटर 8 सोनिक पल्स जनरेट करेगा वैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर की इको पिन हाई हो जाएगी और जैसे ही ये सोनिक पल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर अल्ट्रासोनिक सेंसर के रिसीवर पर आएंगी वैसे ही इको पिन लो हो जाएगी। और अब ये इको पिन जितने देर तक हाई रहती है इस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम पल्स इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं लिखूँगा टाइम इक्वल्स टू पल्स इन 3 हाई। तो जितने समय तक इको पिन हाई रहेगी ये समय पल्स इन फंक्शन रिटर्न करेगा और इस समय को हम टाइम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अब इसके बाद मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिखूंगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू 0.0343 मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से पल्स इन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू पहले टाइम वेरिएबल में स्टोर होंगी और फिर इसके बाद में यही वैल्यू डिस्टेंस के फॉर्मूले में जाएंगी जिससे कि हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे इस डिस्टेंस को प्रिंट करवाना है। इसके लिए मैं सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने पहले फंक्शन में जो स्टेटमेंट लिखा हूँ ये स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट होगा और इसके बाद मैंने सेकेंड प्रिंट फंक्शन में लिखा हूँ डिस्टेंस वेरिएबल। तो इस तरह से ये फॉर्मूले की जो भी वैल्यू रहेगी वो डिस्टेंस वेरिएबल में स्टोर होंगी और फिर इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन इस वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने अपने हाथ को मूव करता हूँ तब अल्ट्रासोनिक सेंसर और मेरे हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सीरियल मॉनिटर पर सेंटीमीटर में प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप Arduino की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं और Arduino के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।